हैदराबाद में बना एक बंगला आज सुर्खियों में है। ये बंगला है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का नया सरकारी आवास। इस बंगले को हम खास क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे वजह है बिल्डिंग में बना सीएम का कमरा और उनका स्पेशल बाथरूम। जी हाँ, दरअसल दोनों ही कमरे बुलेट प्रूफ है। जी हाँ, बुलेट प्रूफ। आज हैदराबाद के बेगमपेट में चंद्रशेखर राव ने अपने पूरे परिवार के साथ 38 करोड़ के बंगले में गृह प्रवेश किया। तेलंगाना के सीएम का नया बंगला, जगह बेगमपेट हैदराबाद। खासियत बुलेट प्रूफ कमरे और बाथरूम। लागत 38 करोड़ रुपए। पूरे रीति रिवाज के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने नए बने सरकारी बंगले में गृह प्रवेश किया। गृह प्रवेश के लिए सुबह 5:22 का शुभ मुहूर्त था। ठीक उसी वक्त पर चंद्रशेखर राव अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ नए बंगले के अंदर दाखिल हुए। चंद्रशेखर राव के गृह प्रवेश से पहले घर में गाय और उसके एक बछड़े को प्रवेश कराया गया। ब्राह्मणों ने वास्तु पूजा, सुदर्शन यज्ञ और पूर्णाहति की रस्म संपन्न कराई। सभी पूजा विधि धार्मिक गुरु त्रिदंडी श्रीमान नारायण चिन्ना जीयर स्वामी की देखरेख में कराई गई। घर के हर एक कमरे और हर कोने की पूजा की गई। मुख्यमंत्री आवास के परिसर में सीएम चंद्रशेखर राव का नया ऑफिस भी बनाया गया। सीएम की कुर्सी पर धार्मिक गुरु जीयर स्वामी को बिठाया गया। उसके बाद आशीर्वाद लेकर चंद्रशेखर राव सीएम की कुर्सी पर बैठे। एक मुख्यमंत्री के लिए बंगला बना है तो जाहिर है उसमें खूबियां और सुविधाएं एक से बढ़कर एक होंगी। आपको बंगले की खासियत बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं चंद्रशेखर राव को नया सीएम हाउस बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी। पुराने सीएम हाउस में वास्तु दोष था, इसलिए के चंद्रशेखर राव ने इसी साल 6 मार्च को नए घर का शिलान्यास किया था और रिकॉर्ड 8 महीने के अंदर ही नया सीएम हाउस बनकर तैयार हो गया। तेलंगाना के सीएम का नया बंगला राजधानी हैदराबाद के बेगमपेट में बनाया गया। 9 एकड़ में फैले सीएम हाउस परिसर को प्रगति भवन नाम दिया गया। पूरे परिसर को बनाने में वास्तु का पूरा ख्याल रखा गया। इसके कैंपस में मुख्यमंत्री का आवास, उनका ऑफिस, एक कॉन्फ्रेंस हॉल शामिल है। इसके अलावा परिसर में 2 बिल्डिंग पहले से मौजूद है। घर के अंदर इस हॉल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा घर कितना विशाल होगा। चंद्रशेखर राव अपनी जान को खतरा बताते हैं, इसीलिए उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए उनके कमरे को भी बुलेट प्रूफ बनाया गया। कमरे की खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ कांच का इस्तेमाल किया गया, यानी इन पर गोलियों का कोई असर नहीं होगा। इतना ही नहीं, सीएम केसीआर के कमरे में मौजूद बाथरूम की खिड़कियों और रोशनदान में भी जो शीशे लगाए गए वो भी बुलेट प्रूफ। चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामाराव के कमरे में भी बुलेट प्रूफ कांच का इस्तेमाल हुआ है। प्रगति भवन के अंदर एक जनहित नाम से कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसमें 200 लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा एक ऑडियो वीडियो ऑडिटोरियम भी है जिसमें 250 लोग बैठ सकते हैं। इतना ही नहीं, दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर पार्किंग के लिए इतनी जगह है कि 300 गाड़ियां एक साथ पार्क की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री के लिए 38 करोड़ के बंगले पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। केसीआर और पैसे के बीच विवाद कोई नया नहीं है, जब से वे मुख्यमंत्री बने हैं ऐसे विवाद में घिरते रहे हैं। इसी महीने भद्रकाली देवी को 3,70,00,000 रुपए का मुकुट चढ़ाने के मामले में राव चर्चा में रहे। राव ने अलग तेलंगाना राज्य के लिए मन्नत मांगी थी जिसके पूरा होने पर मां भद्रकाली को 3,70,00,000 के सोने का मुकुट चढ़ाया। पिछले साल ही चंद्रशेखर राव ने सरकारी यात्राओं के लिए 5 करोड़ रुपए की लग्जरी बुलेट प्रूफ बस खरीदी।
इस बस को मर्सिडीज बेंज ने तैयार किया। पिछले साल दिसंबर में ही चंद्रशेखर राव ने अपने पैतृक जिले मेडक में जन कल्याण के नाम पर महायज्ञ का आयोजन कराया, जिसमें करीब 7 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब चंद्रशेखर का ये नया बंगला भले ही भव्यता के मामले में सुर्खियां बटोर रहा हो, लेकिन विपक्ष इसे फिजूल खर्ची मान रहा है।